ये 6 पोकेमोन का फ्यूजन और देखते हैं कि इसका आंख कहाँ लगेगा, किसका कान कहाँ ढुकेगा। लेट्स सी। हे गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। केम जुदा भाई, बहुत सारे ऐसे मैंने फ्यूजन के वीडियोस अपलोड किए जो तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन यार उसका जो ओनर था ना भाई, ऑफ कोर्स रिएक्शन वीडियोस में ना हम लोग ना अच्छे से रिएक्शन में दिया भी था, फिर भी उसका ओनर को सर पसंद नहीं आया कि मैंने क्रेडिट नहीं दिया। मैं एक्चुअली में भूल चुका था, इसलिए भाई उसने भाई मुझे बोला कि भाई हटा देने के लिए, तो मैंने हटा दिया। लेकिन कोई नहीं, तुम लोगों को बहुत पसंद आया था, मैंने सोचा चलो ठीक है कुछ और फ्यूजन के वीडियोस निकालते हैं। सो मैंने भाई बहुत बेहतरीन वीडियो निकाला, इसमें हम लोग 120 पोकेमोन फ्यूजन देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, उनमें से कुछ मैं सबसे अमेजिंग छाट छाट कर निकाल लूंगा तुम लोगों के लिए, तो भाई इसका चिंता ना करो। शाइन नॉट भाई इस चैनल पे तो विजिट कर सकते हो, फिलहाल नेक्रोज में जाके दोनों को तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और This is really cool, dude. अब तक का सबसे बेस्ट फ्यूजन लगा। ओ सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने ये बोल के अच्छा नहीं किया ना। अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। तो ये तो पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। कुछ होगा जो मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें पता हो तो मुझे बताना कमेंट में। आई डोंट नो, एंड अगेन ये अरे भाई पिक्सल है क्या ये? आई थिंक सो, पिक्सल में ही जब जाके ऐसा बन जा रहा है। अजीब नहीं लग रहा था ना तुम्हें गाइस? ऑल राइट, हम इन दोनों को मिला के क्या बनता है? ये तो टट्टी है। अच्छा ये तो प्लस, अरे यार इसका नाम, इसका तो नाम याद है, मिनियम, इसका प्लस नेम ऐसे कुछ होगा। ओ भाई ये कितना क्यूट लग रहा है यार, ये देखो यहाँ पे प्लस वाला, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक डिंकर नहीं है, आसान है ये वाला फ्यूजन, मस्त लगा। अच्छा चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला फ्यूजन कैसा हो सकता है। ओ परिमनी ना, ये अच्छा होने वाला है, कार्डिबिया डूड, ये बहुत ही मतलब यूनिक टाइप का था भाई, ऐसा सच में पोकेमोन होगा तो कितना अमेजिंग दिखेगा। लेकिन सोचने की बात है, ये पानी में तैरेगा या जंगल में घूमेगा? सोचने की बात है थोड़ा सा। कोई नहीं चलो चलते आगे, अब देखते हो पोकेमोन का फ्यूजन दूसरा। अच्छा आरकेएस, ये सही होने वाला है। अगेन पिक्सल, हट यार मुझे नहीं देखना ये। ये क्या बना दिया? धर काट के यहाँ लगा दिया गया हुआ है और बस उसका मुंह खोल दिया गया, बस और कुछ नहीं है चेंजेस। देखो मैरोवैक का यहाँ हड्डी दे दिया और थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, ऐसा लग रहा है कि शाइनी चार्जार्ड है, बस फेस थोड़ा अलग है यार। कोई नहीं, तो देखते हैं सोलगेलियो प्लस लूनाला, ये क्या बनता है? वाओ भाई ये फ्यूजन सच में अच्छा है यार, मतलब बहुत क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाई गई है नहीं? अच्छा पिकाचू प्लस मारियो, ए भाई क्या बात है, ये क्या है? क्या बात है भाई, क्या शाइन आर्ट भाई, बहुत अच्छा भाई आर्ट है सच में, ये वाला बहुत अच्छा लगा। ऑलराइट लुकारियो प्लस ड्रैगन टाइप, तो वो क्या बन सकता है? ओ भाई यहाँ फ्यूजन के नाम पे तो बहुत चीजें हो रही है जो कि सच में इंटरेस्टिंग है। और भाई ऐसा लग रहा था लुकारियो को कोई चीज से प्रॉब्लम, आई मीन आई थिंक सो, इसे पॉटी जाना है और ये जा नहीं पा रहा है क्योंकि ये ड्रैगन टाइप बन चुका है और ड्रैगन टाइप पोकेमोन उड़ते हैं, सो ये शायद पॉटी नहीं कर पा रहा, तो लॉजिक समझ में नहीं आया। छोड़ो है? ये क्या है डूड, परिमरी ना और यहाँ पे मरीन, दोनों को मिला दिया, ये क्या बन गया? ये भाई क्या कर रहा है भाई ये बंदा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ऑलराइट ये शैडो वाला ऐसे कुछ पोकेमोन है, डार्क रहा है। अच्छा इन दोनों का मिला दिया तो हाँ ये सही है, थोड़ा सुनाने वाले भाई ऐसे सिर्फ पोकेमोन का फ्यूजन हमें देखने को नहीं मिलेगा। देखो आर्केस एंड इवॉल्व, इवोल्यूशन स्टोन ही है ना ये? हाँ तो ये क्या बन गया, मेगा इवोल्यूशन स्टोन से शायद ये बन चुका है, मेगा आर्केस क्या उसमें दिख रहा था वैसे। ऑलराइट जाइग्रेड अगर स्टील टैप होता तो कैसे दिखता बॉय? तुम लोगों ने पबजी का वीडियो देखा है जो जस्ट न्यू एक देखना, कैलिवरी बोल के एक सूट आया है, बिल्कुल सेम लग रहा उसके तरह ये जाइग्रेड, और बिल्कुल अडोरेबल है भाई ये, मतलब है ये भाई पोकेमोन को लॉन्च करने लायक है, इसे तो भेजना चाहिए पोकेमोन कंपनी वाले लोग को। अरे भाई ये गेम का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये डिट्टो प्लस मिलने के क्या बन जाएगा देखते हैं। अरे भाई क्या औसम चीजें बनाते यार ये लोग। ऑलराइट ग्रे निंजा एंड जैकेन, यही ना हाँ स्वॉर्ड वाला, ये बकरी है क्या? ये बकरी ही है, और मोस्ट बकरी दिख रहा भाई, मेरे घर के बगल में ही ऐसा बकरी है। ऑलराइट अलोलन नाइनटेल एंड वो
दिस लुक्स प्रिटी कूल डूड, क्योंकि भाई तुम्हें मतलब पूरा इसका कलर ही को मतलब स्किन उतार के इसमें छाप दिया गया, ठीक है, टेल वगैरह भी। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट का फेडिंग होना चाहिए था तो कितना अच्छा लगता? मतलब अपना ओपिनियन बताओ। वैसे ये पोकेमॉन है बहुत अच्छा, मतलब ऑसम लगा भाई, अम्ब्रियन के साथ वो मिलकर बहुत ऑसम बना। अच्छा इसको इवोल्यूशन होता तो क्या बनता भाई, ये ट्रांसफार्मर की तरह नहीं लगता तुम्हें? मुझे तो लगता ट्रांसफार्मर की तरह, गजब सा लग रहा सच में। ऑल राइट भाई, मुझे लगा नहीं था कि मतलब ये इतना सही होने वाला होगा, लेकिन ये बीच लग रहा है यार, पूरा ज़ाइगरेट है नहीं है। ज़ाइगरेट का वैसे हर एक इवोल्यूशन अब तक मैंने देखा हुआ फ्यूजन को सबसे बेस्ट रहा था। ज़िराडा का देखते हैं इवोल्यूशन कैसा होता है। ओ तेरी यार, कुछ ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा सा तुम्हें देखने को मिलता होगा कि इसका जो हाथ है वो बहुत बड़ा हो गया, लाइक एक फिल्टर की तरह। आज हम लोग देखना अलग अलग भाई, देखो एनिमे का कैरेक्टर या फिर कोई पोकेमॉन गेम का कैरेक्टर प्लस सबटाइटल सी क्या बनता है। ओ भाई ये भाई कोई जाना बेचारा मारियो का कैरेक्टर लगा, लेकिन बहुत ही ऑसम लगा भाई मुझे। लेट्स सी आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं क्यूबोन देखने को मिल रहा और कंगेस खान देखने को मिल रहा, और भाई देखो इसे देखने के बाद पता कैसी वाइब आ रही है कि भाई कोई मस्तान है जो मतलब अपने मस्ती में घूम रहा हो, ये कितना ऑसम दिख रहा था मेरे से। अच्छा शैडो, अच्छा शैडो वाडा ऐसे कुछ नाम था इसका यार, और ये इवोल्यूशन हो के ओ भाई ये ग्रेनिंजा के भाई लग रहा, मतलब ग्रेनिंजा कुछ इसी टाइप का वाइब देता है यार देखने से, है ना। स्वाना प्लस, अरे भाई विरजन क्या नाम था इसका, अरे अरे रुको रुको रुको, अब भी मैं नाम देखूंगा यार, पोकेमोन प्लेयर हूँ और नाम नहीं पता, शर्म की बात है। वेट गाइस, गूगल लेंस ऑन कर लिया है हमने। कोबेलियन, ऑलराइट कोबेलियन नाम याद आ गया मुझे। अच्छा स्वाना प्लस कोबेलियन ये बन चुका है। अच्छा चलो ये नाम नहीं रखा तो मैं बना लेता हूँ, स्वाना प्लस कोबेलियन स्वाबिलियन, देखो अब ना ऐसा लग रहा कि यार ये टाइगर प्लस चार्जर्ड का विंग भी नहीं है, किसका विंग है यार मुझे याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है फिर भी यार किसी का विंग तो था, लेकिन अच्छा लग रहा था वैसे। ठीक है अब इवोल्यूशन देख लेते हम लोग इसका। वाओ मैंने ऐसा रेक्वाजा का इवोल्यूशन अब तक नहीं देखा सच में, जब तक जितने भी अब तक मैंने गेम वगैरह खेले में सब में अलग अलग था। वैसे इसमें अच्छा था, फ्यूजन बेटर था इसका। यार पूरा भाई ऐसा लग रहा है कि पॉटी कर दिया यार। उतना सही नहीं है ग्रैंडिन, है ना। अगर हमें पता चल रहा है कि पिकाचू ड्रैगन टाइप होता तो कैसा बन सकता, तो भाई यहाँ पे फ्यूजन देखने को मिलेगा, बोला लेट्स सी क्या बनता है वो। भाई देखो वैपरियन का यहाँ पे पूरा फुल्ली यहाँ पे टेल देखने को मिल रहा है, साफ समझ आ रही है वैपरियन का, ठीक है। और ये दूसरा चीज जो है ना किसी ड्रैगन टाइप हाँ पोकेमोन या कैरेक्टर के यहाँ पे लगाया हुआ है, वैसे ये जो चीज है ना ये थोड़ा चेंज है और क्या था हाँ, इसका ये जो टीथ है अच्छा लग रहा भाई सच में, ये क्यूट एकदम पप्पी सा ड्रैगन टाइप लग रहा पोकेमोन पिकाचू, कितना ऑसम लग रहा है। पिका ड्रा नहीं ड्रैगा पी नाम था उसका, चलो ठीक है मैंने रख दिया। ऑलराइट आर्क्यूस एंड वाओ भाई ये क्या फ्यूजन है, कितना ऑसम बनाया इसने यार सब था, है ना। इन्फर्नो प्लस ज़ैक्रोम, लेट्स सी। ओह नाइस नाइस डूड, दिस इवोल्यूशन इज रियली गुड, अच्छा लगा ये। एक कैसा है ना प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल है, फुल्ली लग रहा था प्रोफेशनल। ऑलराइट ये वेलिमर एंड ये कॉस्मोसन ऐसे कुछ नाम है इसका, और डूड तुम्हें लगता कि कॉस्मोसन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मतलब हाईलाइटेड है? ये पोकेमोन तो गायब ही हो गया, इसका सिर्फ फिन्स यहाँ पे दिखाया गया है, और इसके जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे ओवल वाला स्ट्रक्चर ऑस्मन संघ का, सिर्फ उसको चेंज कर दिया गया नीचे वाले हिस्से को वेलमेर से। तो ऑलराइट डूड यहाँ पे बल्बसोर प्लस हाँ गैंगर, लेट्स सी इसका। ओ वाओ लिटरली बहुत क्यूट है भाई ये पोकेमोन, अगर बल्बसोर की शादी करवा दी जाए गैंगर से तो बच्चा कुछ होगा। टाइप में बात करें तो ग्रास प्लस घोस्ट, चलो ठीक है तो नाम क्या बन सकता है, तो बल्बसोर एंड गेंगार, सोरगार सोरगार, हे देखा मैंने गाइस कितना मस्त नाम बनाया, सोरगार नाम है इसका आइंदा से, ठीक है। ऑलराइट यार एटर्नेटस का अब तक का सबसे बेस्ट फ्यूजन मुझे लगा था ये, रेकोजा प्लस एटर्नेटस भाई ये सबसे बेस्ट फ्यूजन लगा अब तक का, एटर्नेटस ओनली मतलब मेरा कहने का मतलब है। ज़ेक्रोम का तो भाई तब से हम लोग देख रहे हैं, और मेगा नेक्रोज़्मा, ओ भाई क्या बात है,
ये भी वन ऑफ द बेस्ट लगा यार अब तक कमल फ्यूजन में मुझे भी। लेट्स सी मेगा स्वैम्पर्ट प्लस मेगा गाचोम व्हाट इट बिकम वाओ वाटर गांचोम। हम लोगों ने वाटर गांचोम वाटर गाचोम नहीं देखा हुआ अब तक और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता होगा टेल भी देखो पूरा स्वैम्पर्ट का लगा दिया गया हुआ है और लेकिन हाँ बाकी कुछ फिन्स जो है वो गाचोम के भी ये भी बहुत अच्छा यार ये अच्छा लगने वाला भाई तुम्हें यहाँ पे ये लूप बनी नाम था ना हाँ और मेगा अब्सॉल्वर में ना देखा कितना क्यूट सा पकवान मतलब ये हंस रहा कितना अच्छा लग रहा है नहीं ये मतलब अच्छा लगा ये वाला शो बहुत मस्त लगा मुझे ये वाला। ऑलराइट मेगा रेकोजा एंड जायग्रेट इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है ओ वाओ भाई जायग्रेट इतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखा सच में ये फुल्ली जायग्रेट ही लग रहा साइज ही रेकोजा का कुछ फॉर्म है यहाँ पे पीछे से रेकोजा लगता होगा। मेगा चार्जर्ड एक्स प्लस म्यूटू एक्स म्यूटू वाई ओ वाओ थोड़ा अजीब सा लग रहा था मतलब म्यूटू का ना एक होता है ना वाइब वो नहीं आ रहा था यार लेकिन इस वाले में हक दिया भाई इसने सच में ये देखो ये कैसा ये क्या है व्हाट इज दिस ब्रो हाँ ऐसा लग रहा है कि मतलब कंगारू है ये लिटरली कंगारू लग रहा है दो टांगे हैं और दो हाथे हैं छोटे छोटे भले ही इसके जो यहाँ पे विंग्स है वो बात अलग है लेकिन फुल्ली कंगारू लगे। अच्छा अब तक का सबसे खतरनाक फ्यूजन में देखने वाले गाइस पांच नहीं छह पोकेमोन का फ्यूजन और देखते हैं किसका आंख कहाँ लगेगा किसका कान कहाँ ढुकेगा। लेट्स सी डार्करा का भाई आग कहाँ जाएगा वो तो नहीं बोलना मुझे क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है भाई ये क्या बना दिया भाई 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 डूड देखो साइंटिस्ट लोग भी ना जिंदगी में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा होंगे जिससे उसको रिग्रेट हो लेकिन भाई शाइनहार्ट भाई तुमने ये कितना खतरनाक चीज बनाया तुम्हें अंदाजा भी नहीं है छह पोकेमोन का ताकत है इसके अंदर किसका टांग कहाँ ढुकाया किसका हाथ कहाँ डाला किसका आंख कहाँ डाला मुझे तो लगा था भाई देखो डार्करा का आंख यहाँ होना चाहिए था इतना ऑसम दिखता और पता इस पोकेमोन का हाथ यहाँ होना चाहिए था और म्यूटू का भाई कम से कम टांग दे देना चाहिए था नहीं टांग नहीं तो कम से कम बॉडी बॉडी का इस पार्ट को दे देता था। और भाई यहाँ पे भाई अगर मुझे बनाने आता ना भाई इसे बना सकता हूँ मैं भी मतलब फ्यूजन का मैं भी कर सकता हूँ लेकिन कैसे करते वो नहीं पता किसी को पता होता बताना लेकिन वाओ भाई अब तक मैंने ऐसा ही पोल्यूशन नहीं देखा मतलब ऐसा फ्यूजन भाई ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा भाई शैंड स्लैश वो भी आइस वाला प्लस ग्रोडन ये भाई सच में ऑसम है डूड ऐसा मैंने सच में नहीं देखा था मतलब ये मैं इसके लिए वर्ड्स नहीं मेरे पास सच में बीस्ट लग रहा अब तक का सबसे बेस्ट इवोल्यूशन है भाई ये और कुछ नहीं मेरे पास सच में। अच्छा यार ये बेकार लग रहा सो गाइस बाकी सारे ये पिक्सल वाले हैं तो भाई ये वीडियो तुम्हें कैसे लगे कौन सा फ्यूजन सबसे बेस्ट लगा ये जरूर बताना और मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो पे शुक्रिया थैंक यू।